हेलो एवरीवन माई सेल्फ प्रणव जैन और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा पैरासिटामोल की पॉइजनिंग के बारे में और इसके ट्रीटमेंट के बारे में इससे पहले जो हमारी पैरासिटामोल की वीडियो थी उसमें हमने पैरासिटामोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा था फार्मेको काइनेटिक्स देखी थी डोसेज फॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट और अभी हम देखेंगे पैरासिटामोल की पॉइजनिंग और उसका ट्रीटमेंट तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइजनिंग हमारी किस किस कंडीशन में हो सकती है या तो ओवरडोज हो जाए देखिए सबसे पहला है ओवरडोज अगर ओवरडोज हो गई तो हमारा एन ए पी क्यू आई जो कि एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट है पैरासिटामोल का उसका फॉर्मेशन बढ़ जाएगा इसका फॉर्मेशन बढ़ जाएगा तो ये किसके साथ बाइंड हो जाएगा हमारे प्रोटीन्स के साथ डीएनए के साथ और डैमेज कर देगा अब दूसरा कंडीशन क्या हो सकती है एन ए पी क्यू आई टॉक्सिक मेटाबोलाइट है इसको कौन न्यूट्रलाइज करता है हमारा अगर बॉडी में कम बनेगा तो ग्लूटाथायू आई न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा और हमारी टॉक्सिसिटी हो जाएगी तो ग्लूटाथायन बनाता कौन है लीवर बनाता है तो इफ लिवर इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली ग्लूटाथायन कम बनेगा जिससे एन ए पी क्यू आई का न्यूट्रलाइजेशन भी कम होगा किन पर्सन में ये दोनों कंडीशन देखने को मिल सकती हैं पर्सन हु इज लाइकली टू गेट बोथ आर क्रॉनिक एल्कोहलिक्स जो डेली बेसिस पे एल्कोहल कंजप्शन करते हैं उनमें क्या होता है एल्कोहल की वजह से लीवर डिजीज होती है और लीवर डिजीज की वजह से क्या होगा ग्लूटाथायन का फॉर्मेशन कम होगा एन ए पी क्यू आई का न्यूट्रलाइजेशन कम होगा और एल्कोहल क्या करती है हमारे साइटोक्रोम पी फोर फिफ्टी को स्टिमुलेट करती है अगर आपने लास्ट वाली वीडियो देखी है तो एन ए पी क्यू आई देखिए पैरासीटामोल जिसको हम एसिटामिनोफिन भी बोलते हैं वो एन ए पी क्यू आई में कन्वर्ट होती है थ्रू साइटोक्रोम पी फोर फिफ्टी अगर साइटोक्रोम पी फोर फिफ्टी का स्टूमुलेशन ज़्यादा है तो एन ए पी क्यू आई का फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगा तो एन ए पी क्यू आई का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा तो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स बढ़ जाएंगे न्यूट्रलाइजेशन इतना नहीं हो पाएगा और डैमेज बढ़ जाएगा पी सी एम की जो पॉइजनिंग है पैरासीटामोल की पॉइजनिंग है कॉमनली स्मॉल चिल्ड्रन्स में देखने को मिलती है बिकॉज उनकी लो हिपैटिक ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन एबिलिटी होती है जो हमारा पैरासिटामोल होता है वो अराउंड 99% परसेंट नॉन टैक्सिक मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होता है थ्रू ग्लूकोरोनिडेशन तो चिल्ड्रन्स में ये स्टेप कम होता है लो कैपेबिलिटी होती है हमारे लिवर की इस वजह से हमारा एन का फॉर्मेशन बढ़ जाता है और पी की पॉइजनिंग हो जाती है अब सीरियस टॉक्सिसिटी कब होती है और फेटल डोज क्या होती है तो सीरियस टॉक्सिसिटी हो सकती है अगर डोज 150 फिफ्टी पर के ऑफ बॉडी वेट से बढ़ जाए और फेटल डोज कब होती है अगर हमारी डोज मोर देन 250 फिफ्टी पर के जी ऑफ बॉडी वेट से ज्यादा हो जाए अब टॉक्सिसिटी तो हो चुकी है तो अर्ली मैनिफेस्टेशंस क्या होंगे अर्ली सिम्टम्स क्या आएंगे तो पर्सन को नोजिया होगा वॉमिटिंग होगी और लिवर टेंडरनेस होगी बिकॉज एन ए पी क्यूआई का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा तो वो सबसे पहले किस पे अटैक करेगा हमारे लिवर पे अटैक करेगा 12 टू 18 आवर्स के बाद क्या होगा हमारा सेंट्री लोबुलर हिपैटिक नेक्रोसिस रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस एंड हाइपोग्लाइसीमिया तो लिवर में नेक्रोसिस हो जाएगा किडनी में नेक्रोसिस हो जाएगा और हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है इसके बाद यही कंडीशन प्रोग्रेस कर सकती है हमारे कोमा में दो दिन के बाद जॉन्डिस हो सकता है और अगर प्लाज्मा लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो डेथ हो सकती है और लिवर फेलियर हो सकता है इसके बाद हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बट अगर एग्जाम में आए तो आपको लिखना पड़ेगा अलग से पी की डोज ज़्यादा हो गई या फिर हमारा लीवर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो हमारा ग्लूटाथायोन का फॉर्मेशन कम होगा या फिर डिप्लीशन हो जाएगा ग्लूटाथायोन का अब ग्लूटा कम है तो एन ए न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगा एन ए पी करे क्या करेगा हमारे प्रोटीन्स के साथ डी के साथ आर के साथ बाइंड कर जाएगा लिवर और किडनी में और नेक्रोसिस कर देगा जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था जो हमारा एन ए पी क्यू आई एनएसिटाइल पैरा अमाइनो बेंजोक्विन अमीन इसकी हाई एफिनिटी होती है हमारे सल्फहाइड्रल हाइड्रल ग्रुप के लिए और सल्फहाइड्रल हाइड्रल ग्रुप हमारा प्रोटीन्स में डीएनए में आरएनए में प्रेजेंट होता है तो जैसे ही एन ए पी क्यू आई को सल्फहाइड्रल हाइड्रल ग्रुप मिलता है वो उसको डैमेज कर देता है नेक्रोसिस कर देता है अब क्या होगा हम देखेंगे ट्रीटमेंट पॉइजनिंग हो चुकी है हम एज अ डॉक्टर ट्रीट करेंगे तो पैरासिटामोल पॉइजनिंग की एंटीडोट क्या है एसिटाइल सिस्टीन एसिटाइल सिस्टीन इज सिंपली ग्लूटाथायोन गिवन फ्रॉम आउटसाइड तो हम एसिटाइल सिस्टीन मतलब ग्लूटाथायोन दे रहे हैं बाहर से ये क्या करती है ग्लूटाथायोन स्टोर्स को रिप्लेनिश करती है जिससे हमारा जो एन ए पी क्यू आई है वो सेल्युलर कॉन्स्टिटेंट्स के साथ बाइंड नहीं करता है सो एसिटाइल सिस्टीन रिप्लेनिशिज द ग्लूटाथायोन स्टोर्स ऑफ लिवर एंड प्रिवेंट बाइंडिंग ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स टू अदर सेल्युलर कॉन्स्टिटेंट और हम क्या करते हैं एक्टिवेटेड चारकोल देते हैं एक्टिवेटेड चारकोल क्या होती है जो पैरासिटामोल अभी तक हमारी गट से एब्जॉर्ब नहीं हुई है वो उसको फर्दर एब्जॉर्ब नहीं होने देती है बिकॉज ऑलरेडी टॉक्सीसिटी तो हो चुकी है और ज्यादा पैरासिटामोल एब्जॉर्ब नहीं होनी चाहिए उसके लिए हम एक्टिवेटिड चारकोल देते हैं एनएसिटाइल सिस्टीन की कितनी कितनी डोज देनी चाहिए अगर हम बात करते हैं ओरल डोज की तो हमें देनी है सेवेंटी फाइव पर के जी एवरी फोर टू सिक्स आवर्स फॉर टू टू थ्री डेज तो दो से तीन दिन के लिए सेवेंटी फाइव पर के जी एवरी फोर टू सिक्स आवर्स लेकिन अगर हम आईवी की बात करें टॉक्सिसिटी या फिर पॉइजनिंग में हम आईवी ही देते हैं तो आईवी आपको 20 आर्स के लिए देनी है ट्वेंटी आर्स फिफ्टीन मिनट्स यूके स्टैंडर्ड शेड्यूल के हिसाब से हमें ट्वेंटी आर्स फिफ्टीन मिनट्स के लिए देनी होती है तो सबसे पहले क्या देते हैं हम वन फिफ्टी एम जी पर के जी इन टू हंड्रेड एम एल फाइव परसेंट ग्लूकोज सोल्यूशन ओवर फिफ्टीन मिनट्स देन फिफ्टी एम जी पर के जी इन फाइव हंड्रेड एम एल फाइव परसेंट ग्लूकोज सोल्यूशन ओवर फोर आर्स और लास्टली हंड्रेड एम जी पर के जी इन थाउजेंड एमएल फाइव परसेंट ग्लूकोज सोल्यूशन ओवर सिक्सटीन आवर्स तो हमें ओवरऑल थ्री हंड्रेड मिलीग्राम पर के जी डोज देनी होती है इन ट्वेंटी आर फिफ्टीन मिनट्स अकॉर्डिंग टू यू के स्टैंडर्ड स्केड्यूल सो गाइज पैरासीटामॉल के बारे में इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस टॉपिक के नोट्स आपको मेरे फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम की आईडी पर और टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है बट अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो अभी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और गाइज अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन के थ्रू उस वीडियो को भी देख सकते हैं थैंक यू